हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 3 दिसंबर 2022 मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा के लिए 1 घंटा 10 मिनट है बेहद खास। आज जरूर करें ये एक काम। पंचांग के अनुसार मांगशीर मास या अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत कर श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज हम आपको साल 2022 मोक्षदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का सबसे खास शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 और 4 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर प्रातः काल 5:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 दिसंबर प्रातः काल 5:34 पर। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 4 दिसंबर दोपहर 1:20 से दोपहर 3:27 तक। पूजा के लिए सबसे शुभ समय होगा सुबह 9:28 से दोपहर 1:27 तक। 4 दिसंबर को वैष्णव एकादशी व्रत किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी शुभ योग 2022। साल 2022 में 3 दिसंबर शनिवार मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग का शुभ संयोग रहेगा। इस दिन रवि योग सुबह 7:04 से शुरू होगा जो अगले दिन सुबह 6:16 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा के लिए रवि योग बेहद ही शुभ माना गया है। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फल फूल वस्त्र भोग और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। अंत में व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप कर आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। मोक्षदा एकादशी उपाय। मांगसिर मास की शुक्ल एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए इस दिन गीता पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के शुभ योग में केले का पेड़ लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण और जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार पीली चीजों का दान करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु को दूध दही शहद मिश्री गंगा जल मिलाकर अभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में गेंदे की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।